हे बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका पोकेमॉन लाइट प्लैटिनम के एक और एपिसोड में। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो लास्ट एपिसोड हमने देखा कि हमने डार्डस सिटी की जिम क्लियर की, एंड मेनली वो पजल थी, तो पजल बहुत अच्छा था मतलब। और उसके बाद दो पोकेमॉन आपको यहाँ मिलेंगे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एंड आज के एपिसोड में हमें कुछ स्पेशल करना है, या यू आर राइट, कुछ स्पेशल। तो वो स्पेशल हमें यहाँ मिलेगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लास्ट टाइम हम यहाँ पे नहीं जा पा रहे थे, और अभी पता नहीं क्यों हम रुक चुके हैं। और यहाँ पे हेलो, जजिंग बाय योर अपीयरेंस आई गेस यू मस्ट बी लैंडन। माय नेम माइट बी फैमिलियर टू यू। आई एम लैंस, आई एम द चैंपियन ऑफ बोथ कैंटो एंड जॉन्टो लीजन। आई केम टू गार्डियन टावर बिकॉज देयर आर रूमर्स दैट टीम स्टीम आर ट्राइंग टू स्टील सम रेलिक टू लर्न मोर अबाउट लेजेंडरी पोकेमॉन। आई एम लुकिंग इनटू इट नाउ, बट इट वुड बी नाइस इफ यू गुड हेल्प लैंडन। लेंस, ओके लेट्स ग्रो ड्रैगनाइट, लेंस बोल रहा है, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा पोकेमॉन देख लें अपने, क्या हिसाब किताब है। ओके सब सही है, बढ़िया है, सब बढ़िया है। एंड यहाँ एक आइटम पड़ा है, एथर। चलो ओके, तो मैंने रिपेल छिड़क दी है, लेट्स गो। ओके टीम स्टीम के साथ हमारा पहला बैटल, एंड लेट्स सी इसके पास कौन से पोकेमॉन्स हैं। श्रैगी, ओके श्रैगी के लिए कौन सा मूव इफेक्टिव होगा। स्क्रैच, नाइट शेड, डार्क, हेडबट। श्रैगी फ्लिंच, ओके ये अच्छी बात है। एक और हेडबट, ओके तीन हेडबट और श्रैगी का काम तमाम। एंड ज़ोरोआर्क ग्रो टू लेवल 33, लाविटा ग्रो टू 31, मैनफू, ओके लेट्स यूज चारिज़ार्ड। ओके लेवल 36 पे है ये मैन को, बट वन हिट है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेट्स सी उसका सेकंड पोकेमॉन कौन सी लेवल पे है, ये भी मैन को ही है। अच्छा इसके बाद चार हैं और ये तीसरी फाइट है हमारी। ओके ग्ले में आऊँ, अब ग्ले में आऊँ के लिए मेरे पास कोई पोकेमॉन नहीं है, मेरे को एक तभी के लिए फाइटिंग पोकेमॉन चाहिए रहता है। ग्ले में आऊँ के लिए अब कौन सा यूज़ करना चाहिए, लाविटा को स्विच करते हैं। एंड लेट्स यूज सैंडस्टॉर्म। सैंडस्टॉर्म का फ़ायदा ये है कि थोड़ा थोड़ा डैमेज ग्लेमियाओं को देती रहेगी। एंड लेट्स यूज रॉक स्लाइड। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, एंड लेट्स सी रॉक स्लाइड कितना डैमेज करती है इसे। ओके ना के बराबर। ओके लेट्स यूज ट्रैश, ट्रैश देखते हैं कितना डैमेज करता है। ओके ये भी सेम ही है लगभग, जितना रॉक स्लाइड ने किया उतना ही ट्रैश ने किया। और इसने सेकंड टाइम हमारे अटैक फेल किए हैं, तभी के लिए ये डैमेज ना के बराबर ही हो रहा है। ओके फॉर द रिस्टोर। ओके लेट्स स्विच
टू सेप्टेल। फिर से चाम, ये क्या बात हुई यार। लीफ ब्लेड, ओके चलो, कोई फायदा नहीं उसके चाम से। ओके लाविटार इज एवॉल्विंग, दैट्स गुड, प्रिटी ऑसम। ओके लाविटा एवॉल्व्ड इनटू क्यूपिटा। कुछ लर्न नहीं किया नया, मेरे को लगा कुछ नया सीखना चाहिए था। चलो कोई नहीं। ओके नीचे एक आइटम पड़ा हुआ है, प्रीमियर बॉल। ओके एंड मैं कुछ बैटल स्किप करूंगा ताकि हम आगे जल्दी पहुंच पाए। ओके यहाँ सिंगल ही बैटल लग रहा है मेरे को होगा, लेट्स सी। ओके तो चलिए इसका काम खत्म, दो पोकेमॉन थे इसके पास और यहाँ एक और बैटल है। मेरे को लगा सिंगल होना चाहिए बट एक और है, कोई बात नहीं इसको भी निपटाते हैं। तो यहाँ मिला है हमें TM04। ओके नीचे कुछ है क्या? नहीं नीचे कुछ भी नहीं है, उस साइड भी कुछ भी नहीं है। ओके तो इसको भी हमने फटाफट हरा दिया एंड हील करने मैं सोच रहा हूँ मैं लास्ट में जाऊँगा क्योंकि मेरा एक पोकेमॉन ऑलरेडी फैंट हो चुका है। तो हील करने हम बाद में इसलिए जाएंगे क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि इन पूरे जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं इनको पहले निपटा दिया जाए, इनको पहले हरा दिया जाए, उसके बाद आराम से हम हील करेंगे। ओके इसका खेल भी ख़त्म। Are you prepared to battle with one of the team's best? And let's go up. Okay, मेरे को लगा यहाँ पे कुछ लिखा होगा बट कुछ नहीं था, तो शायद से ये लास्ट फ्लोर है, अब मेरे को पता नहीं है। ओके चलिए ये एक आइटम उठाते हैं जो यहाँ पे रखा हुआ है, हाइपर पोशन। अच्छा यहाँ पे ये समझे ये लास्ट फ्लोर है क्योंकि वहाँ पे शालिया खड़ी है जो कि एडमिन है, तो एक इससे बैटल करके इस वाले से एंड हम सीधा हील करने चले जाएंगे। ओके तो हमने इसे हरा भी लिया है एंड हम हील भी करके आए हैं। तो शालिया यहाँ पे, यू आर बिकमिंग एन ऑब्स्टिकल ऑन टीम्स टीम्स पाथ टू ग्रेटनेस, दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट, आई विल बीट यू हियर एंड नाउ Once and for all. Let's see. Okay, इसके पास फिलहाल एक ही पोकेमॉन है और 39 का लेवल, 39 का। ओके लेट्स सी क्या मेरा ज़ोरोआक्स सिंगली इसे हैंडल कर पा रहा है। एंड यस अ क्रिटिकल हिट और वन हिट, वाओ That was awesome. चलो चलो, You are getting stronger, but it will be impossible for you to defeat Caitlin, one of the leaders of Team Steam. ये कितने लीडर्स हैं इसके टीम स्टीम के पास? My God, Lennon, I've never imagined that Team Steam could summon legendary Pokemon like Lugia. Now they are trying to capture it. I think it's time to put an end to this, Landon. Well, little kid, you must be the one who's been disrupting Team Steam's plan. I'll put a stop to that when I'll beat you to a pulp in front of your friend. Prepare to face Caitlin. अब Caitlin लड़की है लड़का है मेरे को नहीं पता है। क्या बनाया इसको यार? मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो लड़का है या लड़की है। ओ लड़की है, लड़की है। और इसका पहला पोकेमॉन है बॉन्जोंग, वो भी ब्रॉन्जोंग, वो भी लेवल 40 का। ओके हमारा चारिज़ार्ड भी 37 पे है, ऐसी बात नहीं है। सेफ गार्ड, ओके
Let's use flamethrower. Oh, sorry. One hit से थोड़ा सा बच गया वो. And confuse ray. लग जाना ये, लग जाना 4000. अपने आप को हर्ट मत करना. चलो बहुत बढ़िया. अम्ब्रियन डार्क टाइप. अब मेरे पास कोई फाइटिंग टाइप नहीं है. अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है. ओके लेट्स यूज. ओके चार्जर कंफ्यूज है. ओके फ्लेम थोड़ा लग रही है, यही बड़ी बात है. और अम्ब्रियन 42 की है, लेवल 42. एक और फ्लेम थ्रोअर. फेंट अटैक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. एक और फ्लेम थ्रोअर. क्विक अटैक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. क्रिटिकल हो जा, क्रिटिकल. क्रिटिकल होता तो ज़्यादा अच्छा होता. चलो कोई नहीं, ये भी अच्छी बात है कि चार्जर ने इसके दो लेवल पोकेमॉन को खा लिया, एक लेवल 42 और एक लेवल 40. अब देखते हैं इसके पास दूसरा पोकेमॉन कौन सा है. ड्रेपियन. ओके ड्रेपियन भी 42 का है. स्कैरी फेज. ओके 4000 की स्पीड फेल होगी, बट 4000 के अटैक बहुत सुपर इफेक्टिव है इस पे. ओके बहुत बढ़िया. नॉक ऑफ. ओके कोई दिक्कत नहीं है. ये फ्लेम तो शायद इसे खत्म कर दे पूरी तरह से. चलो तो हमने केटलिन को हरा दिया है विद सिंगल 4000. तो ये बढ़िया है, 4000 तो ओपी है. I'm really impressed with your skills. You might become a Pokemon master sooner than you think. Okay, ये तो compliment था मेरे लिए. Now that my Pokemon are in no shape to battle, it will be impossible for Team Steam to catch this Lugia. It will destroy this whole town in its rage. What the hell? Okay, तो यहाँ लूगिया खड़ी हुई है. हो ये हो कहाँ से आया. वाह ये तो इन दोनों में फाइट तो जमदार हो गई यार. ओके ओके इट्स प्रिटी कूल एंड डेंजरस टू. ओ वाओ भाई आरसीएस में से दोनों भाग गए आरसीएस को देख के. वाओ द इनक्रेडिबल पावर ऑफ आरसीएस मैनेज टू स्टॉप द फाइट बिटवीन हो एंड लुगिया द टू ग्रेट लेजेंडरी पोकेमोन. अमेजिंग आई कांट बिलीव आई मिस्ड द चांस टू कैप्चर देम बट माय पोकेमोन आर इंजर्ड. आई विल बी गोइंग नाउ बट सून वी'ल मीट अगेन. Wow, I had no idea that the legendary Pokemon had such power. Thanks for helping me, Landon. I'll be going after Team Steam to finally put an end to their menace. I'll take you to the Pokemon Center to recover. Okay, thank you, Landon. Okay, literally, RCS God hai, toh RCS ki power toh itni honi chahiye yaar. Okay, hum uthate hain ye ek super potion.
एंड यहाँ भी एक पॉकीबॉल पड़ा हुआ है, TM05। ओके और कुछ है क्या यहाँ पे, देखते हैं। ओके एक और आइटम रिपेल, ओके गुड। तो चलिए आगे चलते हैं इसके। अब तो इस ब्रिज के जो बैटल्स हैं वो मैं स्किप करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत ना हो और आराम से सब हो जाए, क्योंकि बैटल्स थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं वीडियो में, तो इसलिए मैं बैटल्स को स्किप कर रहा हूँ। ओके दिस इज़ गॉन, और ये शायद बैटल नहीं करेगा। आई हैव बीन ट्रेनिंग नियर दिस ब्रिज फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड आई गेट स्ट्रॉन्गर एवरी डे। ओके दैट्स कूल। ओके लेट्स गेट गोइंग। और ये क्या है, वाओ वाओ, वाज दैट लैंस एंड हिज ड्रैगनाइट। ओके ड्रैगनाइट वाज फ्लाइंग। दे से दैट गार्डस वुड हैज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ग पोकेमॉन। आई हैव बीन लुकिंग फॉर निनकार्डा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक आई विल फाइंड वन देयर। ओके ओके तो ये ब्रिज का काम ख़त्म एंड आगे डार्डस वुड्स हैं, तो डार्डस वुड्स को हम कल क्लियर कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर कर लेंगे। अब वो नेक्स्ट एपिसोड एक दो दिन में आ जाएगा। और होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके मेरे को पोकेमॉन टीम और उसके आगे में क्या होने वाला है वो ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।